कैसे हैं, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। और मेरे सुनमन ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और दो गाइस, मैंने अभी मैं नहा के फ्रेश हुआ हूँ और अब मैं करने जा रहा हूँ पूजा। गाइस देखो, मैंने कर ली है पूजा और आप भी दर्शन कर लो। देखो बाबा के, बताते हैं आपको कि गन्ने से गुड़ कैसे बनाया जाता है, तो आप ब्लॉग में बने रहें। हेलो गाइस, तो देखो ये खड़ा है गन्ना और फिर आगे आपको दिखाते हैं कोल्हू पे चल के कैसे बनती है इसकी मिठाई। गाइस देखो, ये है खोई, ये है देखो सूखी खोई। और इस खोई के लिए आगे भट्टी में डाला जाता है। देखो ये सारी खोई सूख रही है, ये प्लांट है देखो, यहाँ पे सब पे देखो सब में सूख रही है खोई। ढाक रखी है ना कि जल्दी ये हीट हो जाए और सूख जाए, भरक के सूख जाती है ना। तो आगे आगे आपको दिखाते हैं। तो ये है गन्ना, ये गन्ना होता है और फिर इस गन्ने को, ये है इंजन, इसे चलाकर, और वो देखो सामने दिख रहा है कोल्हू, इसमें ऐसे पेराई होती है, इसमें गन्ना पेरा जाता है, फिर पेरने के बाद में रस बनता है। फिर आगे दिखाते हैं आपको खोई। देखो ये खोई यहाँ से निकलती है जब चलता है, तो अभी फिलहाल बंद है और खोई नहीं सूख पाई है इन भैया की आप रहे हैं, इस वजह से इस कोल्हू बंद पड़ा है इनका। और फिर जब खोई सूख जाएगी तब ये दोबारा फिर से चलाएंगे। फिर यहाँ से ऐसे खोई बनती है और वो खोई देखो उधर सूख रही है इसमें। तो गाइस इसमें देखो, इसमें लगाया जाता है गन्ना और फिर यहाँ से गन्ना पिरने के बाद में उधर बन जाती है खोई और वहाँ से ही रस आता है, रस आता है। एक नंबर की कढ़ाई है, फिर इसके बाद में इसमें दूसरे नंबर में आता है, तीसरे नंबर में आता है, फिर अदर वो चौथे नंबर में यहाँ पे मिठाई लगभग बन के तैयार हो जाती है। और फिर देखो उधर लगी हुई है मिठाई, दिख रही होगी आपको, फिर उधर निकाल के उस वाले चाक में रखी जाती है और फिर बनती है मिठाई। आगे आपको दिखाते हैं देखो कैसी होती है मिठाई। देखो ये है मिठाई, इसमें आके फिर मिठाई जो है यहाँ पे छोटी छोटी उसको बनाते हैं, ठीक है। देखो मिठाई बनी हुई है, और ये है देखो चिमनी बनी हुई, इसमें से निकलता है धुआं। तो गाइस आपने देखा, ये है मिठाई बनाने का प्रोसीजर। और आज तो अभी बंद है ये जो कोल्हू है, ये बंद है अभी, और जिस जब चलेगा तो आपको एक बार जब चलता है तब दिखाएंगे कि कैसे मिठाई बनती है। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहाँ पे एंड, मिलते हैं फिर आगे ब्लॉग में। जब तक के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए, और जिसने भी हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। जब तक के लिए लव यू ऑल।